हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑनेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई पर्सनली यूज ऑन एन एवरीडे बेसिस। सो ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है ना, दिस हैज रियली हेल्प्ड मी टू इम्प्रूव माय स्किन टेक्सचर, टू इम्प्रूव माय स्किन कंसर्न्स। तो इसीलिए मुझे लगा आज आप लोगों के साथ एक डिटेल में वीडियो शेयर करते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा फेस वॉश, कौन सा सीरम, सब कुछ इस्तेमाल करती हूँ। ऑल्सो गाइज, इंडियाज बिगेस्ट सेल Amazon प्राइम डे सेल इज लाइव फ्रॉम 15th to 16th of July। Get up to 80% discount on your favorite fashion and beauty brands. Also get up to 25% cashback on your first purchase. So चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सबसे पहले मैं एक फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। ये है AHA ग्लो एस फेस वॉश। दिस इज रेकमेंडेड बाई माई डर्मैट, और जब से मुझे डर्मैट ने रेकमेंड किया है तब से लेकर आज तक मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड मैंने इसे कितनी बॉटल्स खत्म किए हैं। दिस इज अ बिट ऑन द कॉस्टलियर साइड, जैसे इट रिटेल्स फॉर 695 रुपीज, लेकिन इसी वजह से मैं इसे अमेजोन से परचेज करती हूँ क्योंकि अमेजोन पे मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है। यह आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे भी मिल जाएगी, फार्मेसी पे मिल जाएगी। ये एक फोमिंग फेस वॉश है। यू जस्ट नीड टू पंप्स ऑफ इट। आपको यहाँ पे एक पंप करना है और यहाँ पे, एंड दैट इज इट। और आपको इसे अच्छे से लैदर अप करना है, अच्छे से मसाज करके वॉश करना है। दिन में 2 बार इसे इस्तेमाल करना है। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है और कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। तो अगर आपके डर्मैट आपको सजेस्ट करते हैं, देन ओनली आई विल से कि आप इसे इस्तेमाल करें, अदरवाइज यू शुड यूज योर रेगुलर फेस वॉश। नेक्स्ट आई यूज अ फेस स्क्रब। ये है एवर यूथ का फेस स्क्रब। ये मैं खुद से इस्तेमाल करती हूँ, मेरे डर्मैट ने इसे मुझे रेकमेंड नहीं किया है। बट एक फेस स्क्रब, हमें अच्छा सा एक फेस स्क्रब हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज स्किन में ना डेड स्किन सेल्स जमा होते हैं, तो उसे रिमूव करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर एक्नी सेंसिटिव स्किन। अगर आपके स्किन पर एक्ने की प्रॉब्लम है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा स्क्रबिंग करने से ही रेडनेस आ जाती है, देन दिस इज नॉट एट ऑल फॉर यू, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्श स्क्रब पार्टिकल्स है। मेरी स्किन में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं सिर्फ इसे अपने नोज के चारों और अपने चिन एरिया पर ही इस्तेमाल करती हूँ। ऑल ओवर फेस पर मैं इसे रब नहीं करती, दैट इज वाई आई यूज दिस फेस स्क्रब। नेक्स्ट आई यूज अ टोनर। तो ये है प्लम का ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट। तो मैं इसे लगभग 3 महीने से ज्यादा हो गया है मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड आई लव दिस। इसका फ्रेग्रेंस, इसका जो इफेक्ट है, जब भी मैं इसे स्किन पर स्प्रे करती हूँ, स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और कभी कभार मैं इसे मेकअप के बाद भी इस्तेमाल करती हूँ एज अ सेटिंग स्प्रे, जो वो पाउडरीनेस से फेस पर सब कुछ रिमूव हो जाता है, एंड एकदम मेकअप जो है ना वो एकदम पुट टुगेदर लगता है और सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेड लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसका जो नोजल है ना, उससे मिस्ट क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जस्ट लेट मी शो यू ऑल, जस्ट सी। और बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है, इतना इवनली ये स्प्रेड करता है। इनफैक्ट ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए परफेक्ट है, स्पेशली फॉर एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। बट मेरी स्किन ड्राई है, ड्राई प्लस सेंसिटिव, बट स्टिल इट वर्क्स परफेक्टली फाइन फॉर मी। मुझे ये अच्छा लगता है, स्पेशली द फ्रेग्रेंस ऑफ इट। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फेस मिस्ट। सिरम की बात करूँ तो करेंटली मैं कोई भी सिरम इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन मैं कुछ दिनों पहले गार्नियर का विटामिन सी सिरम इस्तेमाल कर रही थी। वो मेरा खत्म हो चुका है, मैंने उसे फेंक भी दिया है, वो जो कंटेनर है ना उसे, तो अभी मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है। और उसके बाद मैंने ये वाला इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ये है डॉक्टर शेड का हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम। जब बहुत ही ज्यादा मेरा फेस ड्राई एंड डल लगता था तब मैं इस्तेमाल करती थी, बट अभी मॉनसून है और काफी ह्यूमिड वेदर है, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि फेस बहुत ही ज्यादा ड्राई है। अगर आपको एक ब्राइटनेस, एक रेडियंस चाहिए, ग्लो चाहिए फेस पर, देन दिस इज अ वेरी गुड फेस सीरम। मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं अपना हैशटैग शॉर्ट रिव्यू सेगमेंट में इसके ऊपर एक शॉर्ट टू द पॉइंट रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको इसके ऊपर कोई भी रिव्यू चाहिए 2 या 3 मिनट के अंदर। एंड मैं अगर सिरम ना इस्तेमाल करूं, अगर टोनर भी ना इस्तेमाल करूं, बट स्टिल आई जस्ट अप्लाई दिस क्रीम। अब विंटर सीजन में मैं दिन में 2 बार इसे इस्तेमाल करती थी, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेकर, लेकिन अभी समर सीजन है, अभी ह्यूमिड वेदर है, मानसून है, तो मैं सिर्फ इसे रात को इस्तेमाल करती हूँ। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा जस्ट पी साइज अमाउंट लेती हूँ और इसे ऑल ओवर फेस एंड नेक पर मसाज करती हूँ। एंड रात को मैं थोड़ा ज्यादा अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर, क्योंकि एसी में ना और ज्यादा फेस ड्राई हो जाता है। सो ये है फिजियो जेल
क्रीम और ये मेरे डोमैक ने मुझे रेकमेंड किया है। दिस इज एन अमेजिंग क्रीम। थोड़ा सा ये कॉस्टली है, ये 75 ग्राम्स का है। ये ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आपके थोड़ा बहुत ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो आपको इसे थोड़ा अमाउंट में लेना है और फिर इसे मसाज करना है। ये स्किन को इतना सॉफ्ट बना देता है, सपल बना देता है और स्किन टेक्स्चर को काफी इंप्रूव करता है। बट अगेन, एज मुझे ये मेरे डोमैक ने रेकमेंड किया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, बिफोर यूजिंग दिस यू मस्ट कंसल्ट योर डोमैक फर्स्ट। Now let's talk about sunscreen, which is the most important part of your skincare. लेकिन आपको दिन में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ही सनस्क्रीन की जरूरत है। बट मैं एक बात बताऊं कि अगर आप कोई अच्छा सा सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं देन उसे अप्लाई करने के बाद आप मेकअप नहीं कर सकते, मेकअप थोड़ा सा पैची दिखता है, मेकअप सिट नहीं करेगा आपके स्किन पर, सो देन यू नो दैट दिस इज अ वेरी गुड सनस्क्रीन। तो ये सनस्क्रीन है फोटो स्टेबल गोल्ड सनस्क्रीन। अब ये एक ऐसा सनस्क्रीन है जिसे अप्लाई करने के बाद मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर मेकअप, क्योंकि इसके ऊपर ना मेकअप अच्छे से सिट नहीं होता, थोड़ा सा मेकअप पैची दिखता है। बट स्टिल जब मैं कश्मीर गई थी तब मैं इसे अप्लाई करती थी, उसके बाद ही मैं मेकअप करती थी, थोड़ा सा मैं पाउडर से सेट भी कर देती थी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है एज पर माई नॉलेज, इसे आप अपने ऑल ओवर बॉडी एक्सपोज पार्ट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फेस पैक दैट आई यूज समटाइम्स। ये है वाउ स्किन साइज का ऑप्टन फेस एंड बॉडी पैक। मैं बॉडी पर तो इसे नहीं इस्तेमाल करती बट मैं कभी कभार इस फेस पैक को इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे DIY करने का मन नहीं करता। और आजकल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज्यादातर स्किन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, पर टैनिंग है ना फेस पर तो ये इसे रिमूव करता है डेफिनेटली, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट यूजिंग दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिप केयर। तो लिप बाम में समर सीजन में मैं ये दो लिप बाम इस्तेमाल कर रही हूँ। एक है प्लम का कैंडी मेल्स लिप बाम, इसके ऊपर मैंने अपने हैशटैग शॉर्ट रिव्यू सेगमेंट में इसके ऊपर मैंने टू द पॉइंट रिव्यू शेयर किया है, सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर। यू मस्ट चेक दैट वीडियो, मैं यहाँ पे आई बटन पर लिंक कर दूंगी। एंड नेक्स्ट है ये इकाई का पिंक मी अगेन लिप स्लीपिंग मास्क। ये मैं शायद 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ बट स्टिल मैं इसे खत्म नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, बट आई हैव हिट द पैन। लेट्स सी मैं कितने और दिनों तक इसे इस्तेमाल कर पाती हूँ। थोड़ा सा ये चिपचिपा है, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर समर सीजन, लेकिन मैं अपने लिप्स के ऊपर इसे इस्तेमाल करती हूँ एज अ लिप ग्लॉस, तो मेरे लिप्स हाइड्रेटेड भी रहती है, एट द सेम टाइम एक हल्का सा शाइन भी है। जिसे अभी मैंने एक लिपस्टिक अप्लाई किया है वो प्लम का ही एक न्यूड लिपस्टिक है और उसके ऊपर मैंने ये कैंडी मेल्स लिप बाम अप्लाई किया है, तो लिप्स काफी जूसी एक ग्लॉसी इफेक्ट भी आ रहा है लिप्स से। एट द सेम टाइम माई लिप्स आर वेरी हाइड्रेटेड राइट नाउ, सो ये ट्रिक है आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। फॉर लिप टिंट मैं ये गो स्पार्कल्स ऑर्गेनिक्स का ये चीक एंड लिप टिंट इस्तेमाल कर रही हूँ करंटली। ये मरून कलर में है, इसमें एक पिंक कलर भी है मेरे पास जो कि मेरे दूसरे घर में है, बट अभी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि हल्का सा टिंट मुझे ऐड करना है। आई यूज दिस बिकॉज दिस इज मेड आउट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इसमें बीट रूट का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारे लिप्स के लिए अच्छा है, सो इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। इससे लिप्स डार्कनिंग बिल्कुल भी नहीं होता, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ये एकदम मेरा ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन था, जैसे मैंने जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डे टू डे बेसिस पर इस्तेमाल करती हूँ वही मैंने शेयर किया है इस वीडियो पर, लेकिन मेरा जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है वो हमेशा चेंज होता रहता है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।